चलिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में जो आपकी बुक की क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट प्रमेय सीखना पड़ेगा। वो प्रमेय जान जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो प्रमेय क्या कहता है समझो, अच्छे से समझिएगा। बोल क्या रहा है, किसी त्रिभुज, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज ले लिया। आप बोल के आ रहा है त्रिभुज का किसी भी भुजा, तो इसमें कितने भुजा है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है, तीन भुजा है। किसी भी भुजा का मैं समांतराल करूंगा, तो आपका बुक में बी सी का समांतराल लिया था, हम बी सी का ही समांतराल लेंगे। ये लाइन खींच रहा हूं मैं समांतराल, ये समांतराल क्यों बोल रहा हूं इस लाइन को, क्योंकि यहां से जितने दूरी है यहां से भी उतना दूरी है, यहां से भी उतना दूरी है, इसलिए समांतराल है। समझ रहे हो, समांतराल का मतलब दो लाइन के बीच की जो दूरी बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया समांतराल का मतलब। अब देखो ये जब समांतराल लाइन हम खींचे तो ये भी भुजा को कितने बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु में, जिसका नाम मैंने क्या दे देता हूं, डी। अब एसी भुजा को एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई। तो देखो हमने अभी क्या किया, डी ई समांतराल किसके खींचा, बीसी के। तब क्या हो जा रहा है, तब हमारा क्या हो जा रहा है बताओ, प्रमेय क्या कह रहा है, AD बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर AE बटा EC। इसकी जो भुजा के अनुपात, ये अनुपात ना है, बराबर होंगे। यही है थैलेस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, थैलेस प्रमेय, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं सबको, पहले बताओ, क्लियर ना, थैलेस प्रमेय क्या कहता है। आप क्वेश्चन पे चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो बुक दो थोड़ा सा, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एक फिगर दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आकृति में फिगर 1 है। देखो कौन सी फिगर है भाई, एक त्रिभुज है, क्या क्या नाम दिया है, ए और क्या दिया है, बी और सी, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, डी ई समांतराल बी सी, डी ई कहां पे है, डी ई किसके समांतराल ले रहा है, तो बी सी है, बी सी के समांतराल लाइन खींचेंगे, कौन सा हमने, डी ई। तो ये क्या दे दे, डी, और इसको क्या दे दे, ई। थोड़ा ये बढ़ा करके एरो दिए, तो वो भी कर सकते हो, चाहे नहीं भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, क्लियर। अब कुछ वैल्यू दिया है, ए डी का मान कितना दिया है हमको, 1.5 सेंटीमीटर, और बी डी का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और किसका मान दे दिए हैं, ए ई का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है किसका, ई सी का, ठीक ना। देखो अभी ये थ्योरम पे आ जाओ, हमारा थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतराल करते हैं तो इसके बटा इसका बराबर इसके बटा इसका हो जाता है। अब देखो वही चीज इसमें अप्लाई है कि नहीं, हमको बोला क्या है, देखो डी ई किसके समांतराल है बताओ तो, बीसी का, क्वेश्चन में दिया है, ये तो दिया है हमको, ये दिया है कि नहीं दिया है, हमको दिया तो इतना है। जब ये दे दिया है तो ये थैलेस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डी बटा बी डी, चाहे डी भी लिखोगे बराबर किसके हो जाएंगे, ए ई बटा ई सी। ये समझ में आया कि नहीं, ये किसके थ्रू हमको मिला, थैलेस प्रमेय, थैलेस, थैलेस प्रमेय, ठीक ना, ये समझ में आ गया ना, क्लियर। तो देखो आप देखो जिसका जिसका मान दिया है उसके जगह में पुट कर देंगे, एडी का मान कितना दिया है, तो एडी के जगह में हम कितना रखेंगे, 1.5, क्लियर। बट्टा बीडी का मान कितना दिया है, 3, इक्वल्स टू ए ई का मान कितना दिया है, 1, ए सी तो हमको निकलना है तो ए सी लिखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। आप देखो क्या कर रहे हैं, ये बताओ पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटेगा तो कितना होगा, मैं ये इसको मिटा दे रहा हूं, नीचे कितना हो जाएगा, 10। कहने का मतलब इसको मैं कितना लिखूंगा, 15, पॉइंट हटा तो नीचे कितना हो गया, 30। ये समझ में आ गया, बराबर 1 बट्टा क्या लिखूंगा, ई सी। ये समझ में आया कि नहीं, अब बताओ 15 को कटोगे, 15 एकम 15 15 दुना 30, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ईसी बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो ईसी का मान कितना आ गया, 2। समझ में नहीं आया, आ गया ना।
अब देखो हमारा सही आया कि गलत आया, अभी आपको पता चल जाएगा। ये बयान जो आप सही लाए हो कि गलत लाए वो भी पता चल जाएगा। देखो ए डी बटा बी डी का अनुपात कितना होगा, 30/15 उतरा हाफ और 1/2 भी हाफ, तो कहने का मतलब हमारा सही है। अब इसी क्वेश्चन में कैसे आपको घुमा के दे सकता है, देखो यहाँ पे x भी लगा सकता है, क्या लगा सकता है x, x का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो क्या करोगे इसी के जगह में क्या रख दोगे, x रख दोगे, तो x का मान आ जाएगा। बात नहीं समझ में आया, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन वो दे सकते हैं। तो पहले जल्दी नोट करो, मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए क्या बोला है, देखिए हमको दिया क्या है, इसमें भी वही चीज दिया है, डी ई बी सी का क्या है समांतर, तो थैलेस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डी बट्टा बी डी या फिर डी बी जो भी लिख सकते हो आप, बराबर ए ई बट्टा ई, ये समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया। अब हमको और क्या क्या दिया है, ए डी का मान दिया है क्या, तो ए डी हमको पता नहीं है, ए डी कितना है तो पता नहीं है। अब बताओ बी डी कितना दिया है हमको, बी डी हमको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक 7.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ईसी दिया है हमको, ईसी कितना दिया है 5.4, ईसी हमको 5.4 दिया है, और एई कितना दिया है हमको 1.8 सेंटीमीटर। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या बोल रहा है बताओ, ए डी मतलब ए वाली का निकालने के लिए कह रहा है, तो हम पुट करते चले जाएंगे, ए डी को तो पता नहीं है, उसको एक्स भी मान सकते हो, नहीं तो ए डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए डी, ए डी लिख दो, लिख दिया। बी डी कितने है भाई, बी डी 7.2 है, बराबर ए ई कितने हैं 1.8, तो ए ई की जगह में 1.8 लिखेंगे, ई सी कितनी है 5.4, समझ में आ गया, ये थैलेस थ्योरम से हो गया। अब ये चीज को लिख दोगे तो बढ़िया होता है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो देखिए अब बताओ यहां पे कैसे करोगे, ए डी है तो यहां पे कितनी है 7.2, तो मैं ए डी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकता हूं ना, तो एक चीज कर लीजिए आप, देखो यहीं पे ध्यान से ए पॉइंट के बाद कितने संख्या है, और यहां पे भी, तो ये हटेगा तो नीचे कितना आने वाले हैं 10, 0 नहीं 10, ए पॉइंट हटेंगे तो नीचे, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में, तो ये कट गया। तो कहने का मतलब ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं ये क्यों लिखा, पॉइंट के बाद एक संख्या है ऊपर, पॉइंट के बाद एक संख्या नीचे है, तो ये पॉइंट हटाया जाता है, क्या बोला नहीं समझा, 18/2 क्या हो जाएगा वो 54 हो जाएगा, क्यों हुआ, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक था, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक रहता, पॉइंट के बाद दो रहता, तो नहीं हटा पाते, नहीं समझे, क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या जाने वाले हैं, 10 जाने वाले हैं, तो हम क्या लिखूंगा, ए डी इंटू 10/72 7 पॉइंट रहेंगे क्या, जब 10 हटा दिए तो पॉइंट कहाँ पे रहेंगे, 18/54, ये समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया ना। अब इसको काटते हैं, 9 8 72 9 6 54, अब देखो 2 से काटोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 3 6 2 4 8, और तो नहीं काटेंगे, इसके बाद क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज मैंने कोणा कोणी गुणा कर देंगे, तो देखो ये कितने हो जाएंगे 30 ए डी, बराबर 4 × 18 भी लिख सकते हो या फिर 72 भी लिख सकते हो, समझ में आया, तो ए डी बराबर कितने हो जाएंगे बताओ, 4 × 18/30, समझ में आया, 3 से काटे तो 3 6 18 10। अब देखो हम इसको 2 से काट सकते हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमको दशमलव डालने में आसान हो जाएगा, 6 × 4 कितना होगा 24/10, तो 2.4 सेंटीमीटर, दशमलव डालने के लिए आसान हुआ इसलिए 10 नहीं काटे। आप लोग क्या करोगे, इसको भी काट दोगे, तो काटोगे तो आपको खुद दिक्कतें बढ़ेगा, काटने में से नहीं आएगा ऐसे हम नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग को परेशानी होगा, नहीं समझे, क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन, पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, पी क्यू आर जिसमें भुजा पी क्यू और पी आर पे कमस्य बिंदु इतना, तो पी ऊपर में देंगे हम, यहां पे क्यू देंगे, यहां पे आर देंगे, समझ में आ गया, पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। अब देखो पी क्यू भुजा कौन है, ये वाली,
और पीआर भुजा कौन है, ए है, इसमें क्रमशः बिंदु स्थित है, कौन सी भाई, इसके ऊपर ई बिंदु है और इसके ऊपर ए बिंदु है, बोला है क्वेश्चन में, देखो बोला है ना, हाँ। तो प्रत्येक स्थिति में आपको बताना है ई एफ समांतराल, तो ई एफ बोल रहा है मतलब ई एफ को जोड़ना पड़ेगा, और आपको दिखाना क्या है, ई एफ समांतराल का चिन्ह ए है किसके साथ होंगे, क्यू आर। तो देखिए ये चीज दिखाना है, ई एफ समांतराल क्यू आर, ये आपको दिखाना है। सिद्ध करना है जिसको बोलता है, ठीक ना, ये चीज आपको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, देखिए थैलेस प्रमेय क्या कहता है, थैलेस प्रमेय क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज का किसी भी भुजा के समांतराल जब लाइन खींचते हैं, इसके बटा इसके और इसके बटा इसके रेशियो क्या हो जाते हैं, बराबर, बराबर होंगे, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतराल हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो वही चीज हम करेंगे, देखिए PE बोला तो PE बट्टा EQ का मान निकाल लेते हैं, पहले कितना होगा भाई, PE का मान कितना दिया है 3.9 और EQ का मान कितना दिया है 3। अब ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 39/30 होगा, ये समझ में आया। अब देखो तीन से कटोगे तो ये कितना होगा 13, ये कितना होगा 10, तो कहने का मतलब 1.3 सेंटीमीटर होगा, किसका, पी बटा ई क्यू का मान आया। अब इस पे आ जाओ, पी एफ बटा एफ आर, तो कितना होगा बताओ, पी एफ का मान कितना दिया है 3.6 बटा 2.4, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहां पे भी, तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो कितना बचेगा 36 बटा 24। अब 12 के टेबल में दोनों लोग हैं, 12 तीने 36 और 12 दुने 24, तो जब इसको भागा दोगे तो कितने बार में जाएंगे भाई, 1.5 ना हो रहा है, और यहां पे कितना हो रहा था 1.3, दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है क्या, तो इसलिए पहला जो है वो समांतराल नहीं होगा, नहीं समझे, ये दोनों अनुपात बराबर आ जाता तो क्या बोल देते, समांतराल, ये अनुपात बराबर नहीं आया तो समांतराल नहीं है, नहीं समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन बताओ समांतराल है कि नहीं, ठीक ना, तो इसके लिए क्या काम करोगे, पी बटा क्यू ई लेंगे, तो P बटा Q ये जैसे कि है ऐसे रखेंगे, इसको तो और कुछ नहीं करेंगे हम, देखो PE बटा EQ, तो बताओ PE कितनी है, तो P के जगह में 4 लिखेंगे, EQ कितनी है 4.56, कहाँ दिख जा रहा है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने हो जाएगा, ऊपर में 40 नीचे 45, 5.9 मतलब 8/9, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या दिया है बताओ, इसकी पी एफ का मान कितना दिया है 8 और एफ आर का 9, तो देखिए इसमें भी कितना आया 8/9, इसमें भी क्या आया 8/9, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ समांतराल क्यू आर, नहीं समझा, कितना इजी है, ठीक ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।